उत्तर मुंबई क्रीड़ा महोत्सव में एक बार फिर कबड्डी का दमखम देखने को मिला। इस खास आयोजन में उत्तर मुंबई क्रीड़ा महोत्सव की प्रमुख अतिथि बनी भारतीय खेल प्राधिकरण भारत सरकार की सहायक निदेशिका अपूर्वा नंदा। इसके अलावा छत्रपति शिवाजी महाराज पुरस्कार की विजेता सुमति पुजारी और भारतीय रेलवे की तरफ से खेलने वाली वरदा महात्रे रही। इस आयोजन का खास मकसद रहा कि खिलाड़ियों के हौसला अफजाई करना और कबड्डी को एक मुकाम तक लेके जाना। आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि तमाम अतिथिगण उन खिलाड़ियों के साथ अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं जिन्हें हौसला अफजाई के तौर पर देखा जा रहा है। आपको बता दें कि इस कबड्डी टूर्नामेंट में फाइनल में लड़कों की अंडर 16 टीम ने यस्टी इंग्लिश मलार की टीम को 50 पॉइंट मिला, जबकि रनरअप खिताब उत्कर्ष मंदिर गोरेगांव को 40 पॉइंट मिला। और वहीं लड़कियों की टीम अगर बात करें तो अंडर 16 में अवर लेडी नाजरे भाईंदर बनाम SIAS माटुंगा के बीच मैच खेला गया। इस मैच में सर्वोत्कृष्ट चढ़ाई अंतरा गोर से उत्कृष्ट कैचर मनस्वी पठारे को दिया गया। ऑलराउंडर खिलाड़ी बनी तन्वी सिंधे जो SIAS स्कूल द्वारा घोषित की गई। देखिए खास तस्वीरें। इस मौके पर प्रमुख अतिथि अपूर्वा नंदा ने क्या कुछ कहा वह आपको तस्वीरें दिखाते हैं, लेकिन इसके पहले किस तरह से देखिए यहाँ बच्चों का हौसला अफजाई करते हुए तमाम प्रमुख अतिथिगण दिखाई दे रहे हैं। देखिए खास तस्वीर। कबड्डी स्पर्धा 2023 पवित्र जिमखाना आयोजित या उत्तर मुंबई क्रीडा महोत्सव निमित्ताने थैंक यू This is a kindly request to all team captain, school staff also, just सर्वोरी उपस्थित सर्व शाळांना इकडे पोहोचायचं होतं, त्यामुळे लवकरात लवकर तो आटोपला हवी आणि संधी मिळाली। दोन सेमीफायनल एक सेमीफायनल मुलांच्या चुकल्या, मात्र तरी पण खूप छान खेळ पाहायला मिळाला। चला बेटा उभं राहा तिकडे कॅप्टन करूया। फायनल चॅम्पियन इंटर स्कूल चॅम्पियन द फर्स्ट टाइम उत्तर मुंबई क्रीडा महोत्सव इंटर स्कूल कबड्डी टूर्नामेंट। सर्वांना विनंती आहे त्याचप्रमाणे या ठिकाणी मी विनंती करेन शैलेंद्र सैन थॉमस एकदा दोन दहा टायम चालत होत्या ओवर अवर लेडी इसायस माटुंगा। चला लवकर एक दोन क्या बात है व्हेरी गुड असं नमस्कार सर आलेले आहेत सरांनी सांगितलंय मॅडम So I really appreciate the efforts of Hoysala Gymkhana. So they are doing the amazing work under the leadership of Karunakar Shetty sir. So they are encouraging the local talent here, very young talent, catch them young so that we can win more medals maybe at Olympics or international events or Asian games etc. So they are identifying and they are nurturing the young talent. We really proud of them. And we today from Sports Authority of India have come over here. And we are very happy to be here learning. It's a very great learning opportunity from them, like how they are organizing the event. And also we are here to give the message about Fit India Awareness Week also that we are going to celebrate in Maharashtra and also all over India from 15th of November to 31st of January 2024. So this I will take this as an opportunity to spread the message of fitness to the very young children in the schools as well as the college,
how they have to inculcate the healthy lifestyle and the fitness as a part of their day-to-day activities. Apart from that, there is also one more announcement about the Khelo India Para Games. The first edition of Khelo India Para Games, that Sports Authority of India, we are organizing it from 10th of December to 17th of December 2023 in New Delhi. And we have around 7 games in Para Games in this edition. So I take this as an opportunity to create awareness about Para Games and the importance of holding the tournaments for para athletes also. So thank you for the wonderful opportunity. I'm very glad to be here today. Thank you so much. नवीन येणाऱ्या खेळाडूंसाठी हे एक चांगला प्लॅटफॉर्म निर्माण केलेला आहे. याला एक प्रकारे मिनी खेलो इंडिया असं नाव दिलं तरी हरकत नाही. आणि यातूनच अपकमिंग उभरते स्टार दिसून येतील. आणि हेच पुढे भवितव्यासाठी आपल्या इंडियासाठी खेळणारे स्टार्स खेळाडू असतील. आणि इथे एक प्रकारचं डिसिप्लिन आणि त्यांना जे बक्षीस देण्यात आलेलं आहे त्याआधी ते इन्स्पायर होऊन म्हणजे घरगुती पालकांना पण त्याच्यामुळे आपल्या मुलाला खेळासाठी प्रवृत्त करण्यास त्यांना एक प्रकारचं एक आकर्षण निर्माण झालेलं आहे. कारण इकडचं जे मेडल दिलेलं आहे ते लाईक ॲज मिनी खेलो इंडियाने जो आयोजित किया कार्यक्रम आहे. और गोपाल शेट्टी सर और करुणाकर शेट्टी सर ने जो आयोजित किया ये प्रोग्राम वो बहुत ही अच्छा हुआ है. और इसको जो रिस्पॉन्स आया है वो भी बहुत अच्छा है. और प्लेयर भी अच्छे हैं. यहाँ से आगे जाके उनका करियर भी हो सकता है. और ये जस्ट लाइक जैसे दीदी ने बोला कि ये जस्ट लाइक मिनी ओलंपिक जैसा मीन्स मिनी खेलो इंडिया जैसा ही इवेंट हुआ. और इसके लिए हम शेट्टी सर के बहुत शुक्रगुजार हैं. और सुमति ताई और मैं हम दोनों को बुलाने के लिए हम उनको उनका आभार वर्षानुवर्ष सन्माननीय खासदार माननीय गोपाळजी शेट्टी साहेब यांच्या माध्यमातून यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि करुणाकर शेट्टी आणि संपूर्ण त्यांची कमिटी होयसर जिमखाना हे गेले वर्षानुवर्ष जे खेळाडूंच्या आत्मीयतेची जी जोपासना करतायत खेळाडूंना प्रोत्साहित करतायत. फक्त प्रोत्साहित न करता त्यांना आयुष्यात जगण्याचं त्यांचं व्हिजन सक्सेस करण्याचा जो हा प्लॅटफॉर्म जे तयार करतायत त्यांना लाख लाख धन्यवाद आहेत. माझ्या कबड्डी खेळाडू म्हणून कबड्डी संघटक म्हणून कबड्डी प्रशिक्षक म्हणून